जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बेटे आप लोगों के? ले बेटा, इंग्लिश का आज सेकंड लेक्चर है, छठे चैप्टर का। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटेरियल। स्टर्लिंग मटेरियल का मतलब है बेटा यहाँ पे खालिस मादा। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटेरियल, तुम खालिस मादे से बनाए गए हो। एंड सेकेंड टू नन, और किसी से कम नहीं। सेकेंड टू नन, किसी से कम नहीं। कीप अप योर मोरेल, कीप अप योर मोरेल। मोरेल कहते हैं हौसले को। कीप अप बुलंद, अपने हौसले को बुलंद रखो। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। अफ्रेड का मतलब होता है बेटा खौफ ज़दा होना। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से खौफ ज़दा मत होना। वी शुड फेस इट ब्रेवली, हमें बहादुरी से इसका सामना करना चाहिए। फेस सामना, ब्रेवली बहादुरी से, शुड चाहिए, हमें बहादुरी से इसका सामना करना चाहिए। टू सेव, बचाने के लिए। द ऑनर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इज्जत को। ऑनर इज्जत, सेव बचाना। एंड इस्लाम, और इस्लाम के, हमें पाकिस्तान और इस्लाम की इज्जत को बचाने के लिए बहादुरी से इसका सामना करना चाहिए। डू योर ड्यूटी, अपना फ़र्ज अदा करें। एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर ईमान रखें। अपना फ़र्ज अदा करें और पाकिस्तान पर ईमान रखें। इट हैज़ कम टू स्टे, इट हैज़ कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए बना है। ये फ्रेज़ एक यूज़ किया उसने, कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए बना है। ठीक है, अपना फ़र्ज़ अदा करें, ड्यूटी फ़र्ज़ अदा करें। एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर ईमान रखें। इट हैज़ कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए बना है। नेक्स्ट बेटा, द एंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल। ये ना एक लंबी सी लाइन है और ये काफ़ी पेचीदा होती है, बच्चों को ये बहुत तंग करती है हमेशा, तो ये ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एंटायर जर्नी, एंटायर कहते हैं तमाम, सारे का सारा, मुकम्मल। द एंटायर जर्नी, मुकम्मल सफ़र ऑफ द ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल, अजीम रहनुमा स्ट्रगल, जिद्दोजहद। फॉर अ सेपरेट होमलैंड, फॉर लिए, सेपरेट अलहदा, होमलैंड वतन। फॉर द मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए। सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं छोटे बरे आज़म को, बरे सगीर कहते हैं इसको। तो जब ये इकट्ठा था तो इसमें था इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये सब कॉन्टिनेंट कहलाता था। वॉज बेस्ड की बुनियाद थी, बेस्ड बुनियाद। पाइवोट, पाइवोट कहते हैं मरकजी नुक्ता। मुस्लिम यूनिटी, मुस्लिम इत्तहाद। एंड द वननेस एज नेशन, और कौम की वहदानियत। नेशन कौम, वननेस वहदानियत। अब ज़रा सुनिएगा, द एंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल, अजीम रहनुमा के पूरे सफ़र की जिद्दोजहद। फॉर अ सेपरेट होमलैंड, अलहदा वतन के लिए। फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर के मुसलमानों के लिए। वॉज बेस्ड की बुनियाद थी। दोबारा से लाइन पढ़ूंगा, अजीम रहनुमा की जिद्दोजहद के पूरे सफ़र की बुनियाद थी। सॉरी, दोबारा पढ़ूंगा बेटा, मुसलमानों के अलहदा वतन के लिए, नहीं और इसको चेंज करते हैं, यहाँ से करेंगे सब कॉन्टिनेंट से, मैं उल्टी तरफ को चलता हूँ। बरे सगीर के मुसलमानों के अलहदा वतन के लिए, अजीम रहनुमा के जिद्दोजहद के पूरे सफ़र की। वॉज बेस्ड बुनियाद थी, ऑन द पाइवोट मरकजी नुक्ते पर, मुस्लिम इत्तहाद,
और कौम की वहदानियत के। अब फिर सुनिएगा इसको, मैं शुरू करूँगा बरसगीर से। बरसगीर के मुसलमानों के अलहदा वतन के लिए अजीम रहनुमा के जिद्दोजहद के पूरे सफ़र की बुनियाद मुस्लिम इत्तहाद और कौम की वहदानियत के मरकज़ी नुक्ते पर थी। लाइन मुश्किल है, फिर दोबारा सुनिए। बरसगीर के मुसलमानों के सेपरेट होमलैंड अलहदा वतन के लिए अजीम रहनुमा की जिद्दोजहद के पूरे सफ़र की बुनियाद मुस्लिम इत्तहाद और कौम की वहदानियत के मरकज़ी नुक्ते पर थी। ये लाइन को बार बार सुनेंगे तो फिर याद होनी है। ही टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान इन सच क्लियर टर्म्स, आपने पाकिस्तान के बारे में, अबाउट बारे में टॉक्ड, बातचीत की इन सच क्लियर टर्म्स, इतने साफ अल्फाज में, दैट इवन, हत्ता के कॉमन मैन, आम आदमी कुड अंडरस्टैंड इट, इसे समझ सकता था। आपने पाकिस्तान के बारे में इतने साफ अल्फाज में, वाज़े अल्फाज में बात की कि एक आम आदमी भी इसे समझ सकता था। ठीक है बेटा, तो ज़रा ध्यान से इसको बार बार सुनिएगा ताकि आपको ये अच्छा तैयार हो जाए। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।